हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। गाइस, मेरे पास आई है हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक, BS6 फ्यूल इंजेक्शन बाइक है। बाइक जो है तो इसका जो क्लिच प्लेट है वो घिस चुकी थी और बाइक जो है तो पिकअप नहीं पकड़ पा रही थी उतना, और इंजन से जो है तो बहुत ही ज़्यादा इसकी टाइमिंग चेन की जो साउंड है वो इसमें आता था। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और देखेंगे हम इसमें कि इसमें जो BS6 जो बाइक है उसमें क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है। इसका जो मैग्नेट है इसमें चेंज किया गया है कंपनी द्वारा, और इसका वन वे क्लच है इसमें चेंजेस देखने को मिला है, और ये जो कॉइल है मैग्नेट कॉइल इसमें भी चेंजेस हुआ है, और इसका जो ऑयल पंप गरारी है इसमें भी चेंज हुआ है। कोई ख़ास इसमें चेंज हुआ नहीं है, और टाइमिंग चेन इसमें BS4 का ही इसमें सेट होता है, तो आप BS4 का टाइमिंग चेन कभी इसमें फिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की बात की जाए इसका क्लिच चैम्बर साइड का, तो इसमें ज़्यादा बदलाव इसमें हुआ नहीं है। इसमें जो है जो ऑयल पंप है इसको बड़ा कर दिया गया है, और जो कि ये ऑयल पंप यहीं से प्राइमरी गियर से चलता है। और दूसरी चीज़ की बात की जाए तो इसका जो बैलेंसर है इसका जो वेट है इसको कम कर दिया गया है, और हम बाइक में करेंगे अब क्लिच प्लेट जो है तो इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे बाइक का जो पिकअप है वो कैसा आता है, और हम इसमें टाइमिंग चेंज जो है तो इसमें चेंज करेंगे तो देखेंगे बाइक का जो है इंजन का जो साउंड है वो कैसा आता है। तो गाइस, मैं इसमें टाइमिंग चेन फिट कर दे रहा हूँ, और इसमें BS4 का ही टाइमिंग चेन फिटिंग होगा, और जैसे कि आप इसमें पैकिंग अगर आप डालते हैं तो इसमें बॉन्ड का प्रयोग ना करें, क्योंकि सेंसर वाली बाइक है, कोई भी दिक्कत इसमें हो सकती है, और इसको जो है तो चोट मार के जो पैकिंग निकालते हैं वैसा नहीं निकालना है इसको। तो ये मैं सारा चीज़ इसमें फिट कर ले रहा हूँ। और दूसरी चीज़, इसका जो बड़ा वाला रोलर है ये घिस चुका है, तो मैं इसे नया डालूँगा, और इसमें नया वाला पैकिंग है वो हमें डालना होगा, जिसका प्राइस 40 रुपये है। तो मैं सारा चीज़ें फिटिंग कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ बाइक का जो साउंड है वो कैसा आता है। तो गाइस, बाइक हो गई है रेडी, और मैं आपको बाइक का जो इंजन का साउंड है वो आपको मैं सुना दूं। बाइक में जो पहले बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इंजन से, और अभी देखते हैं इसमें मैंने क्लिच प्लेट वगैरह सब फिट कर लिया है, तो बाइक को करेंगे हम स्टार्ट, और मैं आपको इंजन का जो साउंड है वो आपको माइक से सुना दूँ। तो गाइस, इंजन का जो साउंड है बहुत प्यारा आ गया है, और मैंने इसमें ऑयल वगैरह इसमें चेक कर लेना है आपको कि कहीं से ऑयल जो है तो लीक ना हो। और बाइक का जो टाइमिंग चेन की जो आवाज़ पहले जो थी बहुत रद्दी साउंड इसमें था, जो कि अभी बहुत अच्छा साउंड इसमें आ गया है, और बाइक जो है तो बहुत ज़्यादा चल चुकी थी, 42,000 किलोमीटर करीब ये चल चुकी है बाइक। तो इस टाइप की कंडीशन में जो है तो टाइमिंग चेन क्लिच प्लेट जो है तो फूक ही जाती हैं,